कावड़ यात्रा के दौरान ड्यूटी पर 11,000 वोल्ट की विद्युत लाइन की चपेट में आने से झुलसे सफाई कर्मी वीर सिंह उपचार के दौरान उनकी दिल्ली में मौत हो गई है। मामले में सफाई संगठन ने निगम पर आरोप लगाते हुए कहा कि समय पर निगम की मदद नहीं मिली। साथ ही मांग की है कि वीर सिंह के परिवार को सरकारी नौकरी और आर्थिक मदद के रूप में 10 लाख रुपये दिए जाएँ। वीर सिंह नामक कर्मचारी था नगर निगम में, जो सीएलसी आउटसोर्सिंग पे काम करती है। उसमें वो बिजली का काम कर रहा था, कुछ उसकी देख दुर्घटना में उसका एक्सीडेंट हो गया था, दुर्घटना हो गई थी, उसमें इलाज उसका चल रहा था, कल उसकी डेथ हो गई। उसके परिजन और उनके समाज के काफ़ी लोग आज नगर निगम में आए और उसकी डेड बॉडी को लेकर, और उन्होंने कहा कि उसमें जो है उसकी उचित मदद किया जाए, और एक ज्ञापन भी उन्होंने प्रस्तुत किया। ज्ञापन के सारे बिंदुओं पर उनसे बातचीत करके और उसका समाधान किया गया, उनको आश्वस्त किया गया।